नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज उत्तर प्रदेश। 17 मार्च दिन बुधवार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं प्रिया तायल। आज की मुख्य समाचार। अजान से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति को सोने में हुई परेशानी, डीएमसी की कार्रवाई की मांग। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति की शिकायत पर मुस्लिम गुरु बोले, इस तरह तो सुबह होने वाला कीर्तन भी गलत। बीजेपी सांसद के बेटे से 3 घंटों तक हुई पूछताछ, साले आदेश ने चलाई थी गोली। आगरा में खेलते समय शौचालय के गड्ढे में गिरा बच्चा, बचाने के लिए उतरे 4 लोगों की मौत। आगरा में साधु की कुल्हाड़ी से की गई हत्या, पुलिस कर रही है मामले की जांच। अब खबरें विस्तार से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति को सोने में परेशानी हो रही है। इसे लेकर कुलपति डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव ने डीएम को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि सुबह मस्जिद में रोज सुबह 5:30 बजे लाउड स्पीकर पर अजान होती है, इससे उनकी नींद में परेशानी हो जाती है, जिसके बाद वो तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं सो पाती। इस वजह से उनके सिर में दिन भर दर्द रहता है और कामकाज भी प्रभावित होता है। कुलपति ने अपने पत्र में ये स्पष्ट किया है कि वह किसी संप्रदाय, जाति या वर्ग के खिलाफ नहीं है। उन्होंने पत्र में आगे लिखा कि अजान बिना लाउडस्पीकर की जा सकती है, ताकि दूसरों की दिनचर्या प्रभावित ना हो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति संगीता श्रीवास्तव द्वारा लाउडस्पीकर पर अजान से होने वाली परेशानी की डीएम से शिकायत का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। सिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने संगीता श्रीवास्तव पर पलटवार करते हुए कहा कि इस तरह तो सुबह होने वाले कीर्तन भी गलत हैं, वीसी को अपनी शिकायत वापस लेनी चाहिए। वहीं इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बा लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद ने वीसी की शिकायत पर बड़ा एतराज जताते हुए कहा कि इलाहाबाद के वीसी को मालूम होना चाहिए कि पूरा देश गंगा जमुना तहजीब के लिए मशहूर है, पूरी दुनिया में इसके लिए जाना जाता है। इस देश के सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, यही वजह है कि मस्जिदों से अजान और मंदिरों से कीर्तन भजन की आवाज़ फिजा में गूंजती है। कभी किसी को कोई इससे परेशानी नहीं हुई, तो इस तरह की बातें करना बेमतलब है। उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष पर हुए हमले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। आयुष ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी अंकिता का कहीं और अफेयर चल रहा था, इसी वजह से उसका और आदर्श का झगड़ा चल रहा था। आयुष से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की गई। पूछताछ में आयुष ने खुद को बेकसूर बताया है। आयुष ने अपनी पत्नी और साले आदर्श पर जान से मारने की साजिश का आरोप लगाया है। आयुष का कहना है कि गोली उसके साले आदर्श ने चलाई थी, उसने खुद पर गोली चलाने के लिए नहीं कहा था। आयुष का अपने साले आदर्श से झगड़ा चल रहा था, जिसके चलते वो घर से बाहर आया था। उसके बाद आदर्श ने 2 फायरिंग की। पहली गोली दीवार में लगी, जबकि दूसरी गोली पीछे से आयुष को छू कर निकल गई। पुलिस ने बताया है कि जांच में ये बात साबित हो गई है कि आयुष को गोली पीछे से लगी थी और आगे से बाहर निकली है। उत्तर प्रदेश में आगरा में एक बड़ा हादसा हो गया है। फताबाद थाना क्षेत्र में खेलते समय एक 10 साल का बच्चा शौचालय के गड्ढे में गिर गया, जिससे वो बेहोश हो गया। तो उसे बचाने के लिए 4 और लोग टैंक में उतरे, लेकिन सभी लोग बेहोश हो गए। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने टैंक से 5ों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां सभी की मौत हो गई।
मृतकों में चार लोग एक ही परिवार के हैं जबकि पांचवा शख्स पड़ोसी था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल सुरेंद्र के घर के बाहर तीन दिन पहले शौचालय का गड्ढा खोदा गया था। पास ही में बने एक और गड्ढे से पानी रिस कर उसमें आ गया था, जिसके चलते उसमें करीब 3 फीट तक पानी भर गया। सुरेंद्र का 10 साल का बेटा अनुराग घर के बाहर खेल रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसला और वह गड्ढे में गिर गया। शोर मचने पर अनुराग को बचाने के लिए चार लोग गड्ढे में कूद पड़े, जिसके बाद सबकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के न्यू आगरा क्षेत्र में कुल्हाड़ी से साधु की हत्या कर दी गई है। साधु की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। ये घटना आगरा के माऊ रोड खंदारी क्षेत्र की है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि किस तरह साधु की हत्या की गई और क्यों। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि साधु करीब 30 सालों से यहां रह रहा था। वहीं पुलिस ने बताया कि एक साधु की हत्या कर दी गई है, जिसकी जांच शुरू कर दी गई है। मौके से एक कुल्हाड़ी भी बरामद हुई है। आशंका है कि कुल्हाड़ी से हत्या की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसी के साथ पुलिस बाकी सभी पहलुओं पर भी जांच कर रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगली मुलाकात होगी कल। नमस्कार।